नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के शालीमार बाग में, जहां पर राजस्थान करौली में एक पुजारी ब्राह्मण को, जो पूरे देश की रक्षा के लिए दुआ मांगता, उसके साथ इस तरीके का जघन्य अपराध किया गया है। और उसके बाद अभी तक आप लोगों को पता भी लग रहा होगा कि कहीं कोई रोष नहीं। बंटी बबली की जोड़ी जो हाथरस तो पहुँच जाती है, अपने राज्य का उसको ध्यान का पता नहीं है। तो हम वही बात करने की कोशिश करेंगे। आज शालीमार बाग में हमारे साथ पुजारी जी हैं, जो राजस्थान में करौली में हुआ है। क्या कहना चाहोगे इस घटना को लेके आप? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। आप सभी को पता होगा कि हमारा हिंदुत्व धर्म जो सनातन धर्म है, यह कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी हर तरह से समृद्ध हों, ये हमारे सनातन धर्म का शब्द है। लेकिन आपको पता है कि इस देश में, हमारे भारतवर्ष में, इतने समय से नाना प्रकार की विकृतियाँ उत्पन्न हुई। आज़ादी की लड़ाई हुई, वहाँ पे आपने देखा होगा कि जितने भी अत्याचार हुए वो हिंदुओं के ऊपर ही हुए। चाहे सिख बना करके के सिखों के ऊपर, अरे भाई सिख भी तो हिंदू हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये हिंदू हैं। आपको पता है कि राम जन्मभूमि का जो सबसे पहला FIR था, वो भी सिख संप्रदाय के द्वारा किया गया, तो वो भी हिंदू है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब जब हिंदुओं के ऊपर में अत्याचार अनाचार होते हैं, तो हमारे देश में कुछ ऐसे खच्चर का मतलब क्या है। एक बार कोई काबुल से व्यक्ति आया, उससे पूछा गया, भाई काबुल में क्या घोड़े घोड़े पैदा होते हैं जो इतना महंगे बिकते हैं? उसने कहा कि नहीं नहीं, घोड़े तो पैदा होते ही होते हैं, लेकिन गधे और खच्चर भी पैदा हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि खच्चर पहाड़ी पर जो चढ़ाई होती है, वजन ले जाता है, वो खच्चर ले जाता है, लेकिन खच्चर जो है वो गधा और घोड़े का संक्रमित बीज है। इसी तरह से जैसे कि ओवैसी, दिग्गी, इस प्रकार जो है कुछ हमारे समाज में विकृतियाँ हैं कि जो समाज को और भेदभाव की राजनीति में डालते हैं, एक दूसरे के वैमनस्यता पैदा करते हैं। आपको पता है अभी करौली में जो पुजारी जी को जला करके मारा गया, वहाँ पर ये जितने जो मोमबत्ती वाले गैंग हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, अवार्ड वापसी गैंग हैं, कोसी की भी आवाज़ नहीं निकली। आपको पता है कुछ समय पहले पालघर में हमारे संतों को दौड़ा दड़का करके रोड पर मारा जाता है। अरे उस समय कहाँ सोए हुए थे, अरे कहाँ हमारे भारतवर्ष को दिशा निर्देश करने वाले कहाँ सोए हुए थे, नाना प्रकार के उपदेश करने वाले कहाँ सोए हुए थे, हैं दूसरे धर्म आपका पर। कहने का मतलब है कि हिंदुत्व पर चोट कर रहे हैं ये जो लोग हैं? जी, ये हिंदुत्व पर जो चोट कर रहे हैं, ये हमारे देश में विकृति पैदा करना चाहते हैं। इनको ये नहीं पता है कि हमारा हिंदुत्व अब जग रहा है, अब यहाँ पे जो है ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है कि भगवान राम का जो मंदिर बना है, ये भी भगवान की कृपा से और हिंदुओं की जो आस्था है, जो भगवान के प्रति आस्था है, उसी के कारण बना है। और अब हमारे हिंदुओं के प्रति जो जो नेगेटिविटी होगी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय श्री राष्ट्रपति जी, माननीय श्री प्रधानमंत्री जी, माननीय श्री उच्च न्यायालय जी के द्वारा प्रार्थना है हमारी उन लोगों से कि ऐसा जो है ऐसा समाज में विकृति न हो, जिससे कि हमारे समाज में नाना प्रकार के जो है और लोगों के प्रति, बच्चों में जो है वो नाना प्रकार की जो है और ऐसा मन में विकार पैदा हो कि वो जो है संघर्ष के प्रति उतर आए। जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे गुरुजी, जो हुआ है राजस्थान में अभी? हाँ जी, राजस्थान में जो हुआ है ये केवल और केवल कांग्रेस शासित राज्य जहाँ जहाँ हैं वहाँ जो है हिंदुत्व पर चोट हो रही है। हिंदुत्व के ऊपर जो ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण सबकी रक्षा करने वाला है, अपना तन मन धन जीवन सब कुछ सर्वस्व जो लुटा देता है संसार के ऊपर, उनकी जो हत्या, नृसंग हत्या जो हो रही है, ये जहाँ पालघर हुआ वहाँ भी कांग्रेस का राज्य है, यहाँ राजस्थान है यहाँ भी कांग्रेस का राज्य है, केरल में कांग्रेस का राज्य है, वहाँ चले जाओ ममता बनर्जी का राज्य है,
बंगाल में, जहाँ जहाँ इनका राज्य है, ये केवल जो है हिंदुओं का चोला धारण करके बिल्कुल और बिल्कुल मोमडन है, जन्म से मोमडन है। इंदिरा गांधी जी के पति का नाम था फिरोज खान, वो मोमडन था। अब ये जो है हिंदू तो बन गए कंठी माला धारण करके, लेकिन हिंदू बनकर हिंदुओं को ही खा रहे हैं। यह अब बस राजस्थान में घटना हुई जो पुजारी को जो मारा है, तो वो हिंदू थे या मुस्लिम थे? जो राजस्थान में घटना हुई है जो पुजारी जी को मारा है, वो हिंदू ही थे, लेकिन हिंदू में भी नकली हिंदू बन बन के बैठे हुए हैं। वो हिंदू नहीं है, जो हिंदू पर वार करे वो हिंदू नहीं है। हिंदू कभी किसी हिंदू को नहीं मार सकता। जो हिंदू पर वार कर रहा है वो हिंदू नहीं है, ये भी तो नकली हिंदू बन के बैठ गए। जब वोट आते हैं तो ये क्या नाम है, पप्पू और पिंकी दोनों जनेऊ पहनकर, मालाएं पहनकर, कंठी पहनकर ये मंदिरों में मत्था टेकते हैं, और इलेक्शन हुए इनका राज्य मिला और ये खटक मुसलमानों के हो जाते हैं। ये जो है बिल्कुल मुसलमान है, और जो हिंदू पर चोट करेगा भाई बहुत हो चुका। अब जो है हिंदू के संग बहुत अपघात हो रहा है इस देश के अंदर। अब तो श्रीमान प्रधानमंत्री जी से, पीएम मोदी जी से यही प्रार्थना है कि अब हिंदुओं को बचाने के लिए जल्दी से जल्दी इनको पाकिस्तान हम दे चुके, पाकिस्तान भेजा जाए और हिंदू को, जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदुओं पे हो रहा है या हिंदू के साथ साथ स्वर्ण समाज के ऊपर भी हो रहा है? स्वर्ण समाज पर ज़्यादा हो रहा है, स्वर्ण समाज पर ज़्यादा हो रहा है। हिंदू तो हिंदू और स्वर्ण समाज नहीं, हमारे तो सब हिंदू हैं, कोई भी हम जात पात का भेद नहीं रखना चाहते। ये केवल जो है पिंकी पप्पू नहीं जात पात, जात पात का भेद कहाँ से आया? लोग कहते हैं मनु स्मृति मनु की तरफ से आया है या संविधान की तरफ से आया है? बताएंगे ये जात पात का जो भेद है ये कहाँ से आया, संविधान से आया या मनु स्मृति की तरफ से आया? देखो गीता में भी लिखा है और मनु स्मृति में भी लिखा है कि जो जैसा कर्म करता है वो उस प्रकार के संस्कार में आ जाता है और उसी प्रकार का कार्य करता है। लेकिन क्या कभी हम, आपने देखा होगा विश्वामित्र क्षत्रिय होकर के भी ब्रह्मर्षि हो गए, और वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि आज हमारे द्वारा पूजे जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि सिबरी के घर भगवान स्वयं चल कर के गए। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं है कि जो जातिवादी हो। ये जातिवादी आप कहाँ से लाएंगे? आप यहाँ इतने लोग खड़े हैं, किसी की कोई जातिवाद का नहीं पता, लेकिन कुछ लोग जो संविधान ने तो हमें अगर इसमें जातिवाद नहीं होता तो हाथरस में पूरा हो हल्ला चल रहा है, पूरी भीड़ भाड़ चल रही है, उसे पिकनिक हॉट स्पॉट बनाया गया है। राजस्थान में अभी तक क्यों नहीं हुआ ऐसा? मैं आपको वही बता रहा हूँ कि हम लोगों में जातिवाद की कोई वो नहीं है। ये तो कुछ लोगों ने, ये जो गिद्ध बैठे हुए हैं, राजनीतिक गिद्ध मैं उनको कहूँगा, या कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जो इस तरह की बातों को उठाते हैं, जातिवाद को उठाते हैं। आज आप डीएम के यहाँ जाकर के अपना प्रमाण पत्र क्यों बनवाते हो? ये जातिवाद है नहीं। आपको जब जाति सब बराबर हैं, जब संविधान ने सबको बराबर दिया है, तो वही संविधान क्यों ये एसटी और ये जो अनेक प्रकार की जातियों में हमें बांट रहा है? हम लोग जो भी हमारा गरीब बंधु है, चाहे वो किसी की जात का हो, किसी भी उसमें हो, वो सब हिंदू हैं और उनको काम मिलना चाहिए, उनके हित की बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसके बाप दादे अभी जज कलेक्टर बन गए हैं, बड़े बड़े मिनिस्टर बन गए हैं, उनके बच्चे भी अभी जातिवादी का वो लेकर के प्रमाण पत्र, और आज भी वो लोग लाभ उठा रहे हैं। धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ कुछ और लोग जुड़े हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे राजस्थान की इस घटना पर, क्या कहना चाहोगे? देखिए, पालघर में संतों की हत्या हो, चाहे कसौली गाँव में पुजारी के जिंदा जलाने की घटना, अत्यंत दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण और घोर निंदनीय है। ऐसी घटना ने सारे हिंदू समाज को और पूरे हिंदुस्तान की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को और प्रशासन को कौन से ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए? सरकार को और प्रशासन को तो अपने कड़े कदम उठाने ही चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को स्थापित करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरा इस समाज से ही है कि पुजारी और संत तो पूरे के पूरे समाज को, देश को, धर्म को दिशा देने वाले लोग हैं, सबकी सुख की, समृद्धि की, स्वास्थ्य की, शांति की कामना करने वाले लोग हैं, और जब इन लोगों को पर कोई कुठाराघात, कोई चोट मारी जाएगी तो समझ लीजिए हमारा समाज
हमारा धर्म, हमारा देश कौन सी दिशा में जा रहा है। ये केवल एक समाज, ये केवल एक व्यक्ति के ऊपर हमला नहीं है, पूरी हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी जड़ों पर कुठाराघात है। तो इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए हमारी समाज को, हमारी सरकार को देखना चाहिए कि क्या इसके पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश कार्य कर रही है या क्या उनकी सोच है, और जल्दी से जल्दी उसका पता लगा करके ऐसी घटना दोबारा ना हो ये पूरे समाज को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि शांति के साथ और एकता के साथ, भाईचारे के साथ हमारा पूरा हिंदू समाज, हमारे सारे धर्म और हमारा पूरा देश मिलकर के आगे बढ़ सके और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का सामना कर सके। जय हिंद।